इसलिए मैंने क्राफ्ट सैलेड बॉल लिया है और इसमें पोस्टर कलर यूज़ किया है। आपने इसमें कलर करना है लेकिन टू टाइम करना है, डबल कोट करना है, सिंगल कोट नहीं करना है। इसके बाद T6 जो है कॉटन बर्ड लेनी है। इसको सेंटर से कट करने के बाद इसका कॉटन वाला पोर्शन जो है उसे कलर में डिप कर लेना और ड्राई करने के लिए रख देंगे। टू CD लेनी है और उसको 2 इंच के या 1 इंच के डिस्टेंस से सोल्डरिंग आयरन से हमें होल कर देना है दोनों CD-ओं में, और इसका जो रिमूव कर देना है स्क्रैप जितना भी है। इसके बाद 3 मार्कर लेने हैं जो कि बोर्ड मार्कर होने चाहिए, और इसके जो एक्स्ट्रा थिंग्स है उसको निकाल देंगे, इसका कैप वगैरह भी रिमूव कर देंगे। अब इन तीनों मार्कर को सिल्वर स्टिकर टेप से हमें कवर कर देना है। क्योंकि इसका साइज़ जो है मार्कर के लिहाज से स्मॉल है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है ताकि हमारा मार्कर जो है वो फिक्स हो सके। और ग्लू गन से हमें ये दोनों चीज़ें कार्डबोर्ड और CD दोनों स्टिक कर देनी है। मेरे पास ये बीट लेस मौजूद थी तो मैंने ये लगा दी। आपके पास कुछ भी हो, कोई सी भी लेस हो, आप लगा सकते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। और सेंटर में आपको मार्कर स्टिक कर देना है। इसके अराउंड में भी आप लेस लगा दें। सेकंड मार्कर लेकर आपने साइज फिक्स कर देना है और इसको भी फर्स्ट मार्कर के साथ ज्वाइंट कर लेना है। अब हमने 2 CD लेनी है। अब इसके 1 CD पर कॉटन पर जिस पर हमने कलर किया था उसको स्टिक कर देना है 1 by 1। और सेकंड CD इसके ऊपर विद द ग्लू गन हमें स्टिक कर देनी है। और इस CD को हमें सेकंड मार्कर के ऊपर स्टिक कर देना है। ये मैंने एक परफ्यूम का कैप लिया है और ये सबसे एंड में लगा दूंगी। ये मैंने बहुत ही खूबसूरत लगाने के बाद इसके आखिर में भी मैंने बीट्स लेस लगाई है। ये तो 2 CD के दरमियान स्पेस है, उसको कवर करने के लिए 3 बीट्स मैंने लगाई है। ये रेड कलर के मैंने नग ली हैं जो कि कॉटन बट के एंड में लगाने हैं। रेड खूबसूरत लग रहा है ग्रे के साथ। इसके बाद मैंने
कैप पिंस ली है, वो फिर रेड कलर की चूज़ की है ताकि ऊपर के नाकों में मैच हो जाए, और विद द ग्लू गन मैं इसे स्टिक कर दूँगी। और ये पिंस कैप पिंस के ऊपर भी मैंने वाइट कलर के नग लगाए, इससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये ऑलमोस्ट हमारा स्टैंड रेडी हो गया है, इसके ऊपर मैंने ज्वेलरी हैंग कर देनी है। ये देखें ज्वेलरी हैंग हो गई है, जूली स्टैंड मेरा फुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लग रहा है, और आपकी सारी जूली इसमें होल्ड हो गई है। ठीक है, ऊपर के पोर्शन में जो ऊपर का पोर्शन है इसे मैंने होल्ड किए हैं अपने थोड़े से लंबे मुद्दे, किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये वाला है, ठीक है, आपने ऊपर से इसको डाला है और इसको आपने नीचे से स्टॉपर लगा देना है जिससे इसका ये होल्ड हो जाएगा। ये आपका ये होल्ड हो गया दोनों। ठीक है, ये वाले जो है ये वाले हैंगिंग है, ये देखिए इजी आप देख सकते हो ये वाले हैंगिंग है। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से हैंग कर देना है, स्टॉपर की जरूरत नहीं है। और ये पोर्शन जो है ये वाला जो है आपको भी दिखा देती हूँ किस तरह हो रहा है। ये देखिए ये वाली हेयर रिंग है, आपने इसको इसके होल के अंदर डाला और उसके बाद नीचे से प्रेस कर दिया। ठीक, आपने ये इस तरह से हैंग कर देना है। अब ये मैंने नीचे के पोर्शन में सारे ब्रेसलेट मैंने होल्ड किए हैं, ये देख सकते हैं आप ब्रेसलेट, ये देखें छोटा ब्रेसलेट है, इसको हैंग करते हैं आप। यहाँ पर ये वाला ब्रेसलेट है, आपने इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया, और ये प्लस सेट है, ये देखें इसका ब्रेसलेट, इसका ब्रेसलेट, ओके, ये मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया, और ये इसका रिंग, और ये आपने इसका लॉकेट, लॉकेट को हमने किस तरह हैंग करा है ये देखें, सारा लॉकेट आपने इसकी चेन को आपने होल्ड कर देना है। ये लॉकेट है, ठीक है, इसको यहाँ पर आपने होल्ड कर देना है। चैन को आपने राउंड राउंड करके आपने इसको कर दिया यहाँ पर इसका ये कर। और इसी के टॉप जो है वो नीचे हैं, इसे स्टॉपर से, ये देखिए स्टॉपर से, स्टॉपर से हमने होल्ड कर दिया, ये नीचे से स्टॉपर लगा देंगे तो हमारा होल्ड हो जाएगा। ये पूरा सेट है, इसी तरह मैंने जितने भी एयर रिंग है मैंने इसी तरह होल्ड करा है। ये लॉकेट है सारे, और इसकी रिंग भी मैंने इसके साथ हैंग कर दी, और ये सारे लॉकेट है, ये एयर रिंग है, सब सबको इसी तरह होल्ड करा है। ये देख लें आप, आपने यहाँ पे इसके अंदर डाला और पीछे से प्रेस कर दिया कि आपके सारे आपके रिंग वगैरह सब एक जगह होल्ड हो जाएंगे। और इसके नीचे के पोर्शन में ये देखें ब्रोच है, ब्रोच मैंने हैंग कर दिया, और ये अगर आपके पास जगह नहीं है तो दो टॉप्स की जोड़ी, ये एयर रिंग है जो मैंने एक साथ ही इसके होल्ड कर दिया। ये फिंगर रिंग्स हैं, ये देखिए सारे आराम से आपने होल्ड कर दिए। एक ही जगह आप दो भी रिंग होल्ड कर सकते हैं, देखिए दो रिंग एक साथ आपने होल्ड कर दिया। अब आपका ये पोर्शन खाली है तो आपने इसमें कोई भी अपनी एक्स्ट्रा जो चीज़ है, ये मेरा बालों का ब्रोच है ये लगा दिया मैंने, और इसके ऊपर भी आप ऊपर के पोर्शन में भी आप ये चीज़ें रख सकते हैं, काफ़ी प्लेस है। ये देखें ये बुंदे हैं आपके टॉप्स, आपने यहाँ पे होल्ड कर दिए, ये वाले ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं, नीचे भी होल्ड कर सकते हैं, और ये अगर आपके पास रिंग वगैरह एक्स्ट्रा है तो वो भी यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आपकी तमाम ज्वेलरीज जो है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी जो है आपकी होल्ड हो सकती है एक ही जगह पर, आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सा टॉप्स कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रखें, मुख्तलिफ जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका पूरा स्टैंड रेडी ऊपर से लेके नीचे तक कर देखिए आप।